HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़े पर्दे पर कभी सलमान तो कभी माधुरी दीक्षित की मां का किरदार निभाने वाली रीमा लागू हमारे बीच नहीं रही। हाल ही में मर्डर डे के मौके पर बे हॉलीवुड की टीम आप आई ऑन स्क्रीन मां में वे हमेशा टिया पर रही, लेकिन जब भी हमने उन्हें छोटे पर्दे पर देखा तो वे कभी तू तू मैं के कॉमेडी करती हुई सास दिखाई दी, तो कभी नामकरण में सास की नेगेटिव भूमिका से सभी को चकित करती नजर आई। बतौर अदाकार रीमा लागू ने कभी भी खुद को किसी बंधने में बांध कर नहीं रखा। लंबे समय बाद महेश भट्ट के शो नामकरण में उनके नेगेटिव किरदार ने टीवी की सभी मशहूर लेडी विलेन को पीछे छोड़ दिया था। क्या आपको पता है कि पर्दे के पीछे भी वे अपने सीन को कई बार पर फेक करने की कोशिश में खुद की भी फ्रिक नहीं करती थी। यही वजह है कि एक बार नामकरण के लीप लेने के पहले एक सीन में उन्होंने अपने हाथ जला लिए थे। हुआ यूं कि एक सीन के दौरान उन्हें खुद को आग लगाना था। उन्होंने के आटन की साड़ी पहनकर रखी थी, इस वजह से आग उनके साड़ी पर फैलने लगी। उन्होंने तुरंत अपने हाथ से आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर दी, इसके कारण उनका हाथ बुरी तरह जल गया। दुर्घटना के तुरंत बाद रीमा जी को उनकी वैनिटी में ड्रेसिंग के लिए भेज दिया गया और पूरे क्रू ने उनसे आराम करने की गुजारिश की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना काम पूरा किया।